चित्र बनाकर पति से सब्जी मंगवाने वाली पत्नी का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। और आज का वायरल सच पति पत्नी स्पेशल है, इसीलिए जो पत्नियां पतियों को हर काम में टोकती हैं, जो पति पत्नियों के काम में नुक्स निकालते हैं, वो आज का एपिसोड जरूर देखें। दरअसल आज कहानी सब्जियों की एक लिस्ट की है। सोशल मीडिया पर सब्जियों की एक लिस्ट वायरल हो रही है। दावा यह कि एक पत्नी बाकायदा सब्जियों के चित्र बनाकर पति को सब्जी खरीदने भेजती है, लेकिन सिर्फ लिस्ट है या उसे बनाने वाली भी मौजूद है? चलिए पता लगाते हैं चित्र बनाकर पति से सब्जी मंगवाने वाली पत्नी का वायरल सच आखिर है क्या। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है जिस पर सबकी आंखें फ्रीज हैं। ये सब्जी की वो वायरल लिस्ट है जो हर पत्नी का सपना है, लेकिन हर पति का दुख स्वप्न है। इस लिस्ट में ऐसे आलू, टमाटर, प्याज हैं जो हर गृहिणी अपने घर में लाना चाहती है, लेकिन हर पति के लिए जी का जंजाल है। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप पर घूम रही सब्जी की ये लिस्ट हर घर की चर्चा क्यों बन गई है, ये जानने के लिए आप जरा इस लिस्ट पर गौर फरमाइए। सबसे ऊपर लिखा है टमाटर। सब्जी मंडी से कैसे टमाटर खरीद के लाने हैं अब वो देखिए। थोड़े पीले, थोड़े लाल, टमाटर पर कोई छेद या दरार ना हो, और ऐसे 1.5 किलो टमाटर लाने हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है प्याज। अब प्याज का वर्णन सुनिए। छोटे छोटे गोल गोल प्याज, और प्याज भी 1.5 किलो। प्याज का चित्र भी बना है, क्रॉस का निशान बता रहा है कि ऐसे प्याज नहीं खरीदना, जबकि टिक का निशान बता रहा है कि ऐसे ही प्याज खरीदने। अब आलू पर नजर डालिए। मीडियम साइज के आलू, यानी ना तो ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा। लिस्ट में 3 प्रकार के आलू के चित्र हैं। सबसे बड़ा आलू और छोटे आलू के बीच मीडियम साइज का आलू है, और वही खरीदने की बात की गई है। भिंडी के लिए साफ तौर पर निर्देश है कि भिंडी ना तो मुलायम हो और ना ही बहुत कठोर, और पीछे से आसानी से टूटनी चाहिए। बिना मिर्ची के तो सब्जी बनी नहीं सकती। लिस्ट के मुताबिक मिर्ची गहरे हरे रंग की और सीधी होनी चाहिए। मिर्च का चित्र भी लिस्ट में बना हुआ है। ये देखिए, ये है टेढ़ी वाली मिर्च, ये नहीं लेनी है, और ये है सीधी वाली मिर्च जिसे लेना है, लेकिन कैसे लेना है ये भी लिस्ट में साफ लिखा है। मिर्च फ्री में मांगनी है। लिस्ट में मेथी और पालक कैसी खरीदनी है यह भी बताया गया है, लेकिन सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर चक्कर काट रहे इस लिस्ट से वाकई में कोई अपने घर में ऐसी सब्जी मंगवाता है, या फिर यह एक सिर्फ मजाक है। ये लिस्ट देश से लेकर विदेश तक घूम रही थी। ये लिस्ट इंटरनेशनल सनसनी बन चुकी थी। कुछ चौंक रहे थे और कुछ इसे झूठ मान रहे थे, लेकिन चर्चा सब कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लिस्ट को शेयर करते हुए लोग लिख रहे थे कि ज्यादा पढ़ी लिखी बीवी ने बनाई सब्जियों की ऐसी लिस्ट, बाजार में भन्नाया पति का सिर। लेकिन सवाल यह था कि क्या वाकई कोई पत्नी अपने पति से ऐसी लिस्ट देकर सब्जी मंगवाती है? लिस्ट को देखने वाले और पढ़ने वाले सभी इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। लिस्ट गर्म थी और सवाल जायज थे, इसीलिए एबीपी न्यूज ने लिस्ट बनाने वाली पत्नी की तलाश शुरू की। इंटरनेट पर शुरू की तहकीकात में हमें ट्विटर अकाउंट्स मिला जिस पर सब्जी वाली लिस्ट को शेयर करते हुए लिखा था, ये वो टास्क है जो मैंने अपने पति को पिछले हफ्ते दिया था, आप लोगों को भी ऐसी लिस्ट से सब्जी खरीदनी चाहिए। पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि लिस्ट पुणे के हिंजेवाड़ी में रहने वाली इरा गोलवलकर ने बनाई है।
पता मिल चुका था। हमारी टीम मेरा के पते पर पहुंची तो यहाँ हमारी मुलाकात 29 साल की आईटी प्रोफेशनल इरा और उनके पति से हुई। दोनों ही पुणे में रहते हैं और हर काम में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। घर में वैसे ही टमाटर मौजूद थे जैसे कि लिस्ट में खरीदने के लिए बताए गए थे, लेकिन हमें एक बात खटक रही थी और वो ये कि क्या इरा ने ऐसा सिर्फ एक बार किया जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया, या फिर वो ऐसा करती हैं हमेशा। एक ट्वीट से इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन जाने का ये अपने आप में अनूठा मामला है, क्योंकि जैसी लिस्ट थी उसे देखकर सब्जी खरीदना कोई आसान काम नहीं था। अगर टमाटर खरीदने में आपको 6 बातों का ध्यान रखना पड़े तो आपका धैर्य जवाब देने लगेगा। अगर मिर्च के ढेर से केवल सीधी मिर्च ही आपको चुननी हो तो भी आप में गजब का जज्बा होना चाहिए। हमें लगा कहीं ये पति पत्नी के बीच चल रहा किसी तरह का कोई कंपटीशन तो नहीं, कहीं जिंदगी में आ गई बोरियत को दूर करने के लिए निकाला गया कोई तरीका तो नहीं। इरा ने ट्विटर पर लिखा था उन्होंने पति को टास्क दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इरा गौरव की किसी शर्त को पूरा करने के लिए उनसे ये टास्क करवा रही थी। सवालों का ढेर था और सामने इरा और गौरव थी। हमने सबसे पहले इरा से वैसी ही लिस्ट बनाने को कहा जैसी वायरल हो रही थी। इरा ने पूरे इत्मीनान के साथ सोफे पर बैठकर लिस्ट बनाना शुरू किया। कुछ ही पलों में हूबहू वैसी ही लिस्ट तैयार थी जैसी देश विदेश के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स में दुनिया भर में वायरल हो रही है। ये इत्मीनान हो जाने के बाद कि लिस्ट इरा ने अपने पति के लिए ही बनाई थी, हमारे जहन में अगला सवाल ये कौंधा कि भला सब्जी मंगवाने के लिए ऐसी लिस्ट बनाने की नौबत क्यों आई। इस सवाल का जवाब हमें इरा के पति गौरव ने दिया। इसके पीछे की कहानी हमारे झगड़े है एक्चुअली। सो हर वीकेंड शॉपिंग के लिए आइदर वो पेंटिंग कर दी है मेरी वाइफ। सो वो पेंटिंग कर रही होती थी तो वो बोलती थी आप लेके आइए ये लिस्ट है, तो मैं हर बार लेके आता था। मेरे को वो मेरे लिए काम है, मैं जाता था सब्जी वाले के पास, ये ले उनको देता था, ये है मेरी लिस्ट, वो दे देते, मैं आ जाता था। इसको शी इज अ फूडी, सो फॉर हर इट वॉज लाइक कि ये क्या सब्जी लेके आया, क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। मैंने बोला था मेरे को ऐसे टमाटर चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। तो हर वीकेंड ये झगड़ा होता था। जब तुम मेरे को बताती अच्छे वाले टमाटर लेके आओ, अच्छे मैं नहीं समझ पाता, मीडियम वाले लेके आओ, मैं नहीं समझ पाता मीडियम क्या है, तुम मेरे को बताओ एग्जैक्टली। तो उसने मेरे को बताया हाथ के साइज का चाहिए या व्हाटएवर पाम साइज, इनिशियली वो बताती पाम साइज आलू इज द परफेक्ट आलू। सो ऐसे फिर फ्रॉम दैट शी स्टार्टेड ड्रॉइंग इट एंड द होल थिंग इवॉल्वड। 3 साल पहले इरा और गौरव की शादी हुई थी, लेकिन दोनों के बीच हर हफ्ते सब्जी को लेकर होने वाले झगड़े ने इस लिस्ट को जन्म दिया। लेकिन झगड़ा खत्म करने के लिए क्या ये इतना आसान था? गौरव लिस्ट लेकर सब्जी मंडी जाते तो थे, लेकिन लिस्ट के मुताबिक सब्जी खरीदने में उनके पसीने छूट जाते थे। अगर आप सोचो कि स्टार्टिंग में एक तो लिस्ट बहुत लंबी और सभी के पैरामीटर्स ज्यादा देती थी, पैरामीटर ज्यादा यानी टमाटर के नीचे इसके 6 टाइप के ये रहते थे कि ऐसा कलर चाहिए, इसका साइज ऐसा हो चाहिए ये। तो अगर आप सोचो मेरे को कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, मैं वहां जाऊं एक टमाटर के नीचे 6 आइटम है, और मेरे को ऐसे आदत थी पहले कि मैं वो सब्जी वाले को थमा देता था, अब ये तो मैं थमा नहीं सकता था उसको, तो मैं लेता था एक टमाटर लो उसको कंपेयर करो ठीक है दूसरा तीसरा। सो टाइम बहुत ज्यादा था, और मान लो अगर 5 सब्जियां हैं और हर एक के नीचे 5 या 6 ऐसे आइटम हैं जो चेक करने हैं, तो 30 आइटम हो गए चेक करने के लिए, और अगर 1 किलो टमाटर भी लेना है तो 6 से 8 तो हो ही जाएंगे। तो वो ऐसे टाइम बहुत ज्यादा था, थोड़ा स्टार्टिंग में इरिटेट होता था और वही होता था बेसिकली। इरा ने अपने घर का झगड़ा सुलझाने के लिए ये लिस्ट बनाई थी, लेकिन सब्जी की एक लिस्ट ने उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया। जैसे मैं आईटी में हूँ, हम लोगों को भी काम, मतलब सबको ही काम आता है, पर अगर हमें ये नहीं पता हो कि काम कैसे करना है तो वो बहुत मुश्किल है। हमें पता है हमें क्या काम करना है, जैसे हमें कोडिंग करनी होती है तो हमें पता है जावा में कोडिंग पर करनी है, बट कैसे करनी है क्या करना है ये बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरह सब्जियां सबको पता होती है, मतलब मेरे पति को भी पता है कि आलू आलू है टमाटर टमाटर है, बट किस तरीके के आलू लाना है किस तरह के टमाटर ये बहुत जरूरी है। इरा और गौरव के बीच अब झगड़े नहीं होते,
सब्जी की लिस्ट ने न सिर्फ उनके झगड़े खत्म कर दिए बल्कि कई घरों में ऐसी लिस्ट बनवाना भी शुरू कर दिया है। हमारी पड़ताल में चित्र बनाकर पति से सब्जी मंगवाने वाली ये वायरल लिस्ट सच साबित हुई है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।